बलियापुर प्रखंड के कोनाटार गांव में वरद खुट्टा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम की शुरुआत बलियापुर पूर्वी पंचायत के मुखिया सामासस के प्रखंड अध्यक्ष गणेश महतो ने किया। इस दौरान चार्जर गीत, सोहराय गीत के साथ ढोल नगाड़े की थाप पर सूप के माध्यम से बेलों को रिझाने का काम किया गया। बताते चले कि दीपावली के एक या दो दिन के बाद वरद खुट्टा का आयोजन किया जाता है, जिसमें स्थानीय ग्रामीण उत्साह के साथ शामिल होते हैं। ग्रामीण एक एक कर ढोल नगाड़ों की थाप पर बारी बारी से सूप के माध्यम से एवं चार्जर्स या सोहराय गीत गाते हुए बेलों को रिझाते हैं। ऐसी मान्यता है कि पूर्वजों के काल से ही वरद खुट्टा कार्यक्रम किया जाता है। इसमें बैलों को आकर्षक रूप से सजाया जाता है। झारखंड की संस्कृति में कई सारे त्यौहार हैं जिनमें सिर्फ बजाने और नाचने का ही कार्य होता है, लेकिन वरद खुट्टा एक ऐसा त्यौहार है जिसमें गीत को भी महत्व दिया जाता है। यह एक पहचान है जो हम लोग का पूर्वजों का मेला जो है, यही मेला जो इस पशु से ही हमारा परिवार का भरण पोषण होता है, इसीलिए इसको उत्साह के रूप में उसको भी मनोबल बना रहे, इसीलिए हम लोग ये सोहराय बांधना पर्व जो जिसको बरद खुट्टा कहते हैं, इसीलिए हम लोग पूरा जोशो हवास के साथ मनाते हैं, जो कि ये दिन का दिन लुप्त हो जा रहा है, उसको हम लोग जागृति करने के लिए कि ना उसको बचाए रखें, अपना संस्कृति को बचाए रखें, इसीलिए आज मुखिया जी के कर कमलों द्वारा गाँव के सभी लोग, इसमें सभी जाति हैं, अकेले कुर्मी नहीं है, देखिए मोहम्मदन है, प्रामाणिक नौवा है, मातो है, अदर कास्ट भी है, सभी लोग मिल के इस त्यौहार को हम लोग बहुत मन खुशी से मनाते हैं। यही गलत हम लोग क्या कुछ कार्यक्रम रहा और क्या विशेषता है? देखिए ये झारखंड संस्कृति का पहचान है, ऐसे हमारे यहाँ बहुत ऐसे त्यौहार है जो अन्य भाषा या अन्य संस्कृति से मेल नहीं खाता है। हम लोग के यहाँ बहुत तरह के इस तरह कार्यक्रम हैं, उसी में से एक कार्यक्रम ये है बरद खुट्टा, जो हमारा विशेष पहचान के तौर पर याद किया जाता है और विशेष हम लोग इसको मनाने का प्रयास करते हैं, और ये हमारा अपना व्यक्ति मैंने क्या बोलते हैं सामाजिक पहचान है, सांस्कृतिक पहचान है। खुट्टा का मतलब तो समझ में आ रहा है, लेकिन बरद जो है वो क्या कहलाता है? देखिए जैसे सबका त्यौहार होता है, उसी तरह हम लोग जो जानवर है, मैंने बैल है, भैंस है, ये लोग का जो मैंने ये करके जब खेती करके जो खाते हैं, उन लोग का भी एक त्यौहार हम लोग विशेष रूप से मनाने का प्रयास करते हैं, मनाते हैं, जो दिवाली के बाद काली पूजा के तीसरा दिन या दूसरा दिन विभिन्न जगह पर लोग अपना सिस्टम से करते हैं, लेकिन ये जो है जो उनका त्यौहार के रूप में हम लोग मनाते हैं, और उनको विशेष रूप से सिंदूर काजल दे के हम लोग सजाते हैं, रंग अबीर दे के सजाते हैं, और खूंटा गाड़ के गांव के बीच में जैसे रोड में गाड़ के कुल्ही में गाड़ के हम लोग उनका जो ये है क्या बोलता है मनोबल को बढ़ाने का प्रयास करते हैं, लोगों के बीच में उनका जो उत्साह है उनको लाने का प्रयास करते हैं। कुछ गीतों को भी सुनने का मौका मिला है, क्या कुछ खासियत उस गीत की? निश्चित रूप से गीत तो है ही, देखिए पहले ही हम बोले इस विषय पर जो हमारा यहाँ कुछ कुछ सांस्कृतिक जो प्रोग्राम है जिसमें गीत गाया जाता है, बजाया जाता है, नाचा जाता है, कुछ कुछ ऐसा भी मैंने ये है मैंने प्रोग्राम है हम लोग का जो कार्यक्रम है जिसमें गाया नहीं जाता है, केवल नाचा और बजाया जाता है, जैसे नटुआ नाच उसमें गाया नहीं जाता है, केवल नाचा और बजाया जाता है। उसी तरह झूमर में हम लोग गाते भी हैं, नाचते भी और बजाते भी, उसी तरह जावा में हम लोग को बजाने का दरकार नहीं पड़ता लेकिन नाचने का गाने का प्रथा है, ठीक उसी तरह ये बरद खुट्टा जो है हम लोग इसको उस तरह का मनाने का प्रयास करते हैं, गाने और बजाने का साथ साथ मैंने नाचने का भी प्रोग्राम करते हैं, गाते हैं, करते हैं।